पिछले दिनों जामुल थाने के अंदर जमकर हुए विवाद में अब पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। थाना प्रभारी समेत अन्य जवानों पर मिट्टी का तेल उड़ेलने के मामले में भाजपा पार्षद पीयूष मिश्रा समेत अन्य भाजपाइयों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल मामला 25 अगस्त का है। मारपीट के मामले में लूट की धारा जुड़वाने की मांग को लेकर BJP के कार्यकर्ताओं ने जामुल थाने में प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए बवाल काटा, तो वहीं पुलिस प्रशासन से कई बार भाजपा कार्यकर्ताओं की हुज्जत भी हुई। इसी बीच BJP के तमाम नेता कार्यकर्ता लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार का पुतला फूंकने जा रहे थे। इसी बीच पुतले को छीनने के दौरान पुलिस से भाजपा कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने साथ पुतले को जलाने के लिए एक डिब्बे में मिट्टी का तेल भी लेकर आए। झूमा झटकी से थाना प्रभारी याकूब मेमन समेत अन्य जवानों पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को भाजपा जिला भिलाई के अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया, पार्षद पीयूष मिश्रा, भाजपा नेता राम उपकार तिवारी समेत अन्य लोगों ने जामुल थाने में प्रदर्शन किया था। आम्रपाली निवासी ज्योतिकांत अग्रवाल और रोहन अग्रवाल के बीच मारपीट की घटना हो गई थी। ज्योतिकांत अग्रवाल भाजपा कार्यकर्ता है और रोहन अग्रवाल कांग्रेसी। भाजपाइयों का आरोप था कि मारपीट के दौरान रोहन अग्रवाल ने ज्योतिकांत अग्रवाल के गले से उसकी सोने की चेन लूट ली थी, लेकिन पुलिस ने लूट की धारा नहीं लगाई थी। लूट की धारा जुड़वाने की मांग को लेकर वे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। जामुल थाना प्रभारी याकूब मेमन ने भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया से कहा कि विवेचना में लूट की पुष्टि होगी तो लूट की धारा लगा दी जाएगी। इस पर जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया और राम उपकार तिवारी समेत अन्य नेता वहां से चले गए, लेकिन पार्षद पीयूष मिश्रा अन्य कुछ कार्यकर्ता वहीं पर प्रदर्शन पर डटे हुए थे। कुछ देर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में राज्य सरकार का पुतला लेकर आ गए और उसे जलाने की तैयारी करने लगे। वहां मौजूद थाना प्रभारी याकूब मेमन समेत जवानों ने पुतला छीनने की कोशिश की तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने थाने में लगे CCTV कैमरे के फुटेज को जांच की और जामुल थाने के सिपाही एस दिनेश की शिकायत पर पार्षद पीयूष मिश्रा, यशवंत राजपूत, मयंक गुप्ता, सोनू राजपूत, विनय सोनी, रोहन सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, ज्वलनशील पदार्थ का लापरवाही पूर्वक उपयोग करना और धमकाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कुछ दिनों पूर्व जामुल थाने में एक अपराध के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उनके नेतृत्व में कुछ कार्यकर्ता थाने पर आकर धरना दिए हुए थे। धरना देने तक ठीक है, वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से ठीक चल रहा था। इसी बीच पुतला आदि को लेकर वहाँ पर कुछ पुतला दहन का प्रयास किया गया, जिस पर से वहाँ पर आपाधापिक स्थिति निर्मित हो गई, बड़ी घटना हो सकती थी, शासकीय काम में बाधा पहुँची, उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है पीयूष मिश्रा पार्षद और उनके अन्य साथी के खिलाफ, और इसमें आगे अग्रिम विवेचना जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।